अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। आचार्य प्रवर वादिराज मुनि महाराज द्वारा रचित एक ही भाव स्त्रोत का पद्यानुवाद आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी द्वारा रचित प्रस्तुत है। हे जिन दिन कर मेरी आत्म कर्म बंद को प्राप्त हुई, एक ही भाव हुआ भव भव से घोर दुखों से तप्त हुई। काल से भव अटवी में
आत्म मेरी घूम रही, आज अचानक तव स्तुति अमृत वापी मुझको प्राप्त हुई। दुर्लभता से मिली बावड़ी, शशिम से भी शीतल है, इसमें डूबा हुआ भक्त यह क्यों दुख भव संताप सहे। नाथ आप जब विहार करते, त्रिभुवन पावन हो जाता, तभी देव चरणों के नीचे कमलों की रचना करता। चरण स्पर्श से कमल स्वर्ण सम सुगंध मन को सर्वांग स्पर्श दे, क्यों नाम कल्याण करे। कर्म रूप वन से निकले प्रभु मोक्ष धाम को पहुंच गए, दुर्जय काम देव मदहारी प्रभुवर को जो निरख रहे। भक्ति पात्र से जिन वचनामृत पीने वाले मानव को भयकारी काटे रोगों के, कर न सके पीड़ित उनको। मानस्तंभ बना पत्थर का अन्य पत्थरों जैसा है, रत्नों का भी बन जाए तो और रत्न के जैसा है। किंचित भी ना हर सकता, नाथ आपके तन पर्वत के निकट पवन बहने वाली भक्त जनों की रोग धूल को शीघ्र उड़ा दे। सब कुछ उसने पाया है, भव भव में जो दुख सहा में उसको जानो जिन राई, उन दुखों का सुमिरन भी तो शस्त्र घात सम दुखदाही। आप कृपालु सब के स्वामी, यही जान शरणे आया, क्या करना अब प्रभु तुम जानो, मैं तो हूँ एक दुखियारा। जीवन धर ने एक श्वान को मरण समय
सुखों को प्राप्त किया तो फिर निर्मल नमोकार को श्रद्धा से जो जपता है क्या संदेह रहा इसमें वह सुरपति पद पा जाता है। शुद्ध ज्ञान हो निर्मल चारित यद्यपि दोनों धार रहा किंतु आपकी उत्तम भक्ति कुंजी को ना पास रखा तो फिर अति मजबूत मोह के मुहर बंद ताले के द्वार कैसे खोले बिन चाबी के दर्श बिना कैसा उठा शिव पथ ढका हुआ अघतम से सर्व ओर से है स्वामी दुख रूपी गहरे गड्ढों से धरा विषम है जगनामी आगे आगे पथ सुख से गमन न कर सकता अष्ट कर्म में पटलों से यह आत्म संपदा ढकी हुई ज्ञानी पानंदित होते मिथ्यात्वी को प्राप्य नहीं कर्म बंद से कठोर भूमि को भी भक्त यह खोद रहा लिए हाथ में स्तवन कुदाली स्वात्म निधि को प्राप्त हुआ स्याद वाद नयन हिम पर्वत से निकली भक्ति गंगा है मोक्ष समंदर तक लंबी है उसमें मम मन डूबा है पाप रूप रज चलो सुखी है नाथ आपको ध्यान से यह भाव हुए जो है आप वही मैं हूँ वह प्रभु आप रहे यद्यपि अभिमत फल को पाती है सप्त भंग में लहरों वाला प्रभु वचनों का सागर है तीन भुवन तक फैला सागर मिथ्या मल का
जो स्वभाव से कुरूप होते वे तन का श्रृंगार करे, जिसके जीवन में शत्रु है वही शस्त्र को ग्रहण करे। किंतु आप सर्वांग सुभग हो, अरिगण कोई रहा नहीं, अत आपको वस्त्र अस्त्र से कोई प्रयोजन रहा नहीं। इंद्र वंदना करता है तो उसकी ही महिमा बढ़ती, नहीं आपकी महिमा इससे उसकी भव वल्ली नशती। भव समूत्र से स्वयं तेरे प्रभु तारक हो मुक्ति भरदार, सर्व लोक के विभो आपकी स्तुति के हम स्तुति करतार। मेरी वचन प्रवृत्ति भगवन हे अल्पज्ञ मनुष्य समान, किंतु आप हो अतुलनीय प्रभु जग में अन्य न आप समान। स्तुति रूप उद्गार हमारे नहीं आप तक पहुंच रहे, फिर भी भक्ति रूप अमृत से इच्छित फल को प्राप्त करे। नहीं किसी पर प्रसन्न होते, नहीं किसी पर क्रोध करे, स्वार्थ रहित हो अति उदासीन, तदपि सर्व जन मान्य करे। मात्र आपकी समीपता ही वैर नशाने वाली है, ऐसी महिमा अन्य देव में कहीं न पाई जाती है। सुरांगनाओं ने जो गाई ऐसी स्तुति जो जन करता, केवल ज्ञानी नाथ आपकी स्तुति को जो तत्पर रहता, वह श्रीमंकर पद पाकर के कभी न जग में आता है। शायक ज्ञानी होकर प्राणी अज्ञ कभी ना होता है। नंत चतुष्टय वान आपको मन में जो धारण करता, आदर पूर्वक तीन काल में भक्ति और स्तवन करता, निश्चय ही वह मनुज स्तवन से मोक्ष पंथ पा जाता है। गर्भाधिक पांचों कल्याण का सुपात्र वह हो जाता है। नम्र भूत इंद्रों से पूजित
शैवान गणधराधि भी समर्थ ना है करने को तव स्तुति गुण गान हम अज्ञानी स्तवन करे क्या मात्र आपका दर है यही आपका आदर हमको मोक्ष प्राप्ति का कारण है सब वैया करणों से आगे वादिराज यति राज रहे न्याय शास्त्र में भी यति वर यह यथा नाम गुण धार रहे जिन पर के लघु नंदन है भव्य जनों के आत्म सहाई जिन पर के लघु नंदन है भव्य जनों के आत्म सहाई जिन पर के आर्यकरत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय।